भारत के गैर बासमती चावल निर्यात पर बैन का असर वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। महंगाई पर काबू पाने और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जरूरी खाद्यान्न की कीमतें सीमा में रखने के लिए सरकार ने गैर बासमती चावल निर्यात पर रोक लगा दी है। वही IMF ने केंद्र सरकार से एक्सपोर्ट पर बैन हटाने का आग्रह किया है। इस बैन का असर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में दिख रहा है। वहां लोग पर्याप्त मात्रा में चावल स्टॉक जमा कर लेना चाह रहे हैं। इसके लिए चावल खरीदने के लिए दुकानों के बाहर भारी भीड़ जुट गई है और कई दुकानों पर स्टॉक भी खत्म हो गया है। उधर कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में चावल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ग्रोसरी की दुकानों के बाहर चावल खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। गौरतलब है कि एक्सपोर्ट बैन की वजह से अमेरिका और कनाडा में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए चावल एक प्रमुख खाद्यान्न है। निर्यात बैन और रूस के खाद्य समझौता से बाहर आने की वजह से पूरी दुनिया में चावल समेत दूसरे प्रमुख खाद्यान्नों का संकट बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि कनाडा और अमेरिका के कुछ स्टोर्स में चावल की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। बता दें कि 20 जुलाई 2023 को भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। 40% ग्लोबल एक्सपोर्ट पर भारत का कब्जा है। अमेरिका और कनाडा में बड़ी संख्या में एशियाई और अफ्रीकी मुल्क के लोग रहते हैं जिनके खाने में चावल का प्रमुख स्थान होता है। वहीं IMF ने रूस के खाद्य समझौते से बाहर निकलने के बाद भारत से एक्सपोर्ट पर से बैन हटाने का आग्रह किया है। सरकार के गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट के फैसले का असर कुल 25% एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। हालांकि उबले हुए गैर बासमती चावल और बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया गया है। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सप्लाई दिक्कतों के चलते पूरी दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थीं। गेहूं की कीमतें आसमान छू रही थीं तो खाद्य तेलों की कीमतें भी बढ़ गई थीं। अब चावल की कीमतें बढ़ने का अनुमान है। तो इस प्रकार अमेरिका और कनाडा में चावल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई चावल को पाना चाहता है और अपने घर में स्टॉक करना चाहता है। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और खबर को शेयर जरूर करें। शुक्रिया।